इस वीडियो को देखने के बाद, उसका कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के बाद, कोई भी ऐसा महादेव का भक्त नहीं होगा जो अभद्र कमेंट करेगा राधा रानी पे। पूरी तरह से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए आज एनालाइज करती हूँ, आज मैं आपको बताती हूँ कि आखिर में राधा रानी है कौन। भगवान नारायण, भगवान हरि, विष्णु जो इस सृष्टि के पालन करता है, उनके अवतार कौन थे? भगवान श्री कृष्ण। और श्री कृष्ण और राधा रानी अलग नहीं है, एक ही हैं। यानी कि राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण दोनों ही भगवान नारायण का, विष्णु का अवतार है। इस तरह से समझ सकते हैं जैसे भगवान राम और परशुराम दोनों एक ही समय पर भगवान विष्णु के दो अवतार थे, ठीक उसी तरह श्री राधा रानी और श्री कृष्णा जी दोनों एक ही टाइम पे भगवान विष्णु के अवतार, विष्णु के दो स्वरूप हैं। एक वो स्वरूप जिसमें वो हर प्राणी मात्र के लिए दया करते हैं, सोच सकते किसी को सजा नहीं दे सकते, जो एक दूसरा जो उनका स्वरूप है वो ऐसा है कि अगर उन्हें अपनी रक्षा करने के लिए वो शस्त्र उठा सकते हैं और अपने लोगों की रक्षा करने के लिए वो शस्त्र उठा सकते हैं। भगवान हरि विष्णु महादेव के भक्त हैं और महादेव भगवान विष्णु के परम भक्त हैं। जब भी भगवान विष्णु ने अवतार लिया है उन्होंने महादेव की पूजा की, उनकी पूजा की और महादेव भगवान विष्णु को अपना आराध्य मानते हैं और उनसे इतना प्रेम करते हैं, उनके हृदय में उनके लिए इतना प्रेम है, दोनों का आपस में इतना प्रेम है, उसको हम उस इन्फाइनाइट लव को हम अपने शब्दों में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। अगर भगवान विष्णु का आप अपमान करते हो, भगवान विष्णु के किसी भी अवतार का, किसी भी स्वरूप का अपमान करते हो, तो सबसे ज़्यादा हर्ट महादेव को ही होगा।